एसकेपी 7 न्यूज़ बिहटा। पटना पुलिस ने एक कट्टा, एक गन और 7 जिंदा कारतूस के साथ दो अपराधियों को धर दबोचा। बिहार के पटना के बिहटा और नौबतपुर में रंगदारी और गोलीबारी कर दहशत कायम करने वाले उज्जवल गिरोह के दो गुर्गे को पटना पुलिस ने मंगलवार को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को चीकू कुमार और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया। चीकू जानीपुर इलाके के कोरियावा का रहने वाला है और साहिल कुमार नौबतपुर के मोतीपुर का निवासी है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक गन, 7 जिंदा गोली, 2 मोबाइल एवं गोलीबारी में उपयोग की हुई बाइक को बरामद किया है। बताया जाता है कि बिहटा के मेहमदपुर में लकड़ी कारोबारी से रंगदारी मांगी गई थी, नहीं देने पर भय पैदा करने की नीयत से गोलीबारी बीते 11 जनवरी को की गई थी, जिसके बाद से लगातार दानापुर एसपी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही थी। बिहटा थाना क्षेत्र स्थित बिहटा खगौल मार्ग पर महम्मदपुर गांव में एक टिम्बर दुकान के मालिक को पिछले दिनों विदेशी नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को उज्जवल कुमार बताते हुए उससे रंगदारी की मांग की थी, वहीं नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दुकान मालिक द्वारा लिखित शिकायत बिहटा थाना में दर्ज कराते हुए अपनी सुरक्षा की मांग गई थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया। फिर जब अगले दिन मॉर्निंग में कारोबारी ने दुकान खोला तो बाइक सवार कुछ अपराधी आए और 2 राउंड फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद से पटना पुलिस हरकत में ली। पटना से पंकज दुबे की रिपोर्ट। चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेन को डिटेक्ट किया गया है, हथियार के साथ अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, 2 अपराधकर्मी, और फायरिंग हुई थी उसमें प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है और गैंग को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया।